फाइनली दोस्तों हम आ गए ऑनलाइन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन ब्लॉग्स पीपी। और आज हमारा प्लान है उनाई माता मंदिर, जो कि सूरत से यानी सूरत स्टेशन से 70-72 किलोमीटर की दूरी पे है और बारडोली से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज मैं और मेरा भाई सोमू हम दोनों जा रहे हैं उनाई माता मंदिर। और हमारा प्लान था कि मतलब मंडे को जाए, लेकिन आज जा रहे हैं। संडे है तो छुट्टी का दिन है और ऑफिस की भी छुट्टी है, तो चलते हैं आगे। बारडोली, अभी हम बारडोली में रुके हैं और एना से हमने NH 53 पकड़ा, यानी नेशनल हाईवे 53। और अभी हम आ चुके हैं बारडोली, तो थोड़ा सोचे कि रुक के वीडियो बना लेते हैं और आपको बारडोली भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। और पुलिया, तो हमें वालोड वाले रास्ते से जाना है। अब हम आ चुके हैं वालोड और पेट्रोल खत्म, सब जो खत्म ही था ऑक्सीजन पे था, हमने पेट्रोल डलवाया और अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं फिर से माता के मंदिर की तरफ। दोस्तों अब हम आ गए हैं बुहारी, यानी बारडोली, बारडोली के बाद वालोड और वालोड के बाद बुहारी। ये जो बाजार है यानी चौक चौराहा जो भी आप समझ लें, इस जगह का नाम है बुहारी। यहाँ से उन्नाई है 17 किलोमीटर, हिंदी गुजराती जो भी ऐसे लिखा है उतना समझ तो नहीं आ रहा है। ये गुजराती में लिखा है उन्नाई 17 किलोमीटर, सीधा आगे की तरफ जाना है और इस जगह का नाम है बुहारी। तो बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े चले। कुछ खाना पीना है यहाँ पे खाए कि आगे चल के खाए? आगे आगे चल के खाए। रास्ते में चलते चलते हम उन्नाई जा ही रहे थे कि तब तक हमें इतना बहुत ही अच्छा व्यू मिला, सोचा थोड़ा वीडियो बना ले। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पीछे पहाड़ है जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कि अब तक कैमरे में कैसे आ रहा है, लेकिन एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाने, जूम करके दिखाता हूँ कैमरे में कैसा आ रहा है। फाइनली दोस्तों हम आ गए उनाई माता मंदिर और मंदिर देख रहे होंगे, ये आपको मंदिर दिख रहा है। और पहले हम पार्किंग की जगह ढूंढ लेते हैं, अपनी बाइक को पार्क कर सके, बाइक पार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। तो दोस्तों पहले हम पार्किंग का जगह ढूंढ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों बाइक मैंने पार्क कर दी है और अब हम अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। क्या पता यहाँ पे मोबाइल कैमरा ये सब अंदर ले जाए मंदिर में अलाउ है कि नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हम जाके देखते हैं या कोई परमिशन लेना है कि क्या लेना है, क्योंकि इधर के बारे में पता नहीं है कि मोबाइल कैमरा उधर अंदर जाके ऑन कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी हम अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। नारियल फूल प्रसाद और नारियल फूल
ये प्रसाद है और एक माता जी के लिए चुन्नी है, क्योंकि हम ले चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलते आगे, देखते हैं कहाँ से अंदर जाना है, पता तो है नहीं, आगे बढ़ते यहाँ से शायद गर्म पानी का जो कुंड है यहाँ पे वो इधर है, और काफ़ी गर्मी है, बहुत धूप है और पैर जल रहे हैं, बहुत धूप है, नीचे ज़मीन बहुत गर्म है। ले भाई प्रसाद पकड़ना, ये मंदिर है आप देख सकते हो, ये मंदिर है उनाई माता मंदिर। यहाँ की हिस्ट्री में बताऊंगा आपको, अभी आगे बताऊंगा, पहले ये मंदिर आपको दिखा लेता हूँ। जैसा कि अभी इधर गर्म पानी है, पहले जो उसकी कहानी ऐसी कि भगवान श्री राम ने धरती में अपना बाण मारा था और इधर से गर्म पानी निकला था, फिर लेकिन इधर की मान्यता ऐसी है कि पहले हमें जाके उधर हाथ पैर धो लेना है, फिर हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं उधर, पहले हाथ पैर धो लेंगे जो भी, लेकिन स्नान भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ गुजराती में लिखा है गर्म पानी ना स्नान कुंड, यानी आगे जाना है हमें, तो बढ़ते आगे की तरफ। ये जो पानी है ये कुंड का पानी है और काफ़ी गर्म पानी है, ये गर्म पानी है, जैसे मैंने अभी हाथ पैर धोया, बहुत ही गर्म पानी है और गर्मी का मौसम भी है, लेकिन यहाँ पे गर्मी हो या ठंडी हो ये पानी हमेशा गर्म ही रहता है। और अभी जैसे बहुत धूप है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, ऐसा मुझे लग रहा था कि हाथ जल जाएगा, ऐसा हूँ तो भी हाथ पैर धो लें। जैसा कि मैं और सोमू दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन नहीं है, फिर भी ठीक है। और छुट्टी का दिन था और दर्शन करने का आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, काफ़ी भीड़ है फिर भी दर्शन हो जाएगा, आप देख रहे हो उधर माता जी और दिमाग है। अब हम मंदिर से निकल रहे हैं और ये आप देख, ये मंदिर से निकलते हुए हम ये कुंड के तरफ जा रहे हैं। कुंड आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये बजरंगबली हैं, जय बजरंगबली, ओम श्री हनुमते नमः। ये हमारे बजरंगबली जो कि सीता माता की खोज इन्होंने की थी, जब रावण उनको हरण करके ले गया था, समुद्र लांग गए थे हमारे बजरंगबली जी, और मैं उनका बहुत ही बड़ा भगवान राम के भक्त बजरंगबली जी का इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं हर मंगलवार उपवास रहता हूँ उनके लिए। ये आप देख सकते हैं, ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, पीछे मंदिर है, और चलिए मंदिर की तरफ हम चलते हैं।
गर्म पानी में ले चुका हूँ, लेकर लेके जाएंगे नहाएंगे। जैसा कि अब हम दर्शन कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से पास में ही है जानकी वन। तो सोमू, जानकी वन जाना है? हाँ जाना है। तो अभी हमारा प्लान चेंज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हमारे प्लान में एक और प्लेस ऐड हो गया है, जो कि हम जानकी वन जाएंगे और फिर आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। बाकी मंदिर में दर्शन तो कर लिए, आपको दिखा दिया हमने, उनाई माता का दर्शन करवाया। और हाँ दोस्तों, आप YouTube पे देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, आगे बढ़ाना यानी शेयर करना। और Facebook पे भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेज को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में अपना बताना कि आप अच्छी अच्छी राय हमें देना कि अगर हम क्या और अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा वीडियो और अच्छा बन सके। तो अब आपको हम लोग मिलते हैं। अभी बहुत तेज भूख लगी है तो पहले चलते हैं कुछ खा लेते हैं, ठीक है? पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद पता करेंगे कि मतलब जानकी वन का वैसे तो टाइमिंग 5 बजे तक वो खुला रहता है, लेकिन फिर भी बहुत धूप है, पता करेंगे कि दोपहर में बंद रहता है या खुला है, तब उस हिसाब से हम किसी से पूछेंगे, फिर जानकी वन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भाई आप देखते होंगे कुनाई माता मंदिर के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लंच तो खैर हमारा इधर ही होता है। तो ये है मेरा के स्टेबल, ये भजिया, ये मेथी का भूटा है, ये आलू पूरी है, तो बड़ा का मजा नहीं आया, अरे पानी भी बहुत आता है। तो जानकी वन जाने से पहले हम पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे जानकी वन। तो लेकिन मैं आप लोगों को ये बोला था कि जानकी वन का वीडियो जो है वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा, और उन्नाई का वीडियो अलग होगा, यानी उन्नाई का वीडियो जानकी वन के वीडियो पहले आपको मिल जाएगा और उसके बाद उन्नाई का वीडियो होगा, ठीक है? तो फिर अब हम मिलते हैं जानकी वन में। अभी हम जानकी वन आ चुके हैं,